नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बुचहा विधानसभा उपचुनाव में राजद का पलड़ा भारी रहा। बता दें कि राजद ने बुचहा में ना तो कांग्रेस का समर्थन लिया और ना ही भाजपा से अलग हुए मुकेश सहनी को अपने करीब सटाया, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव का फायदा हुआ है। अब फायदा किस प्रकार हुआ है ये भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन इस वक्त बता दें कि जिस तरह से बुचहा उपचुनाव में तेजस्वी यादव की जीत हुई है, आरजेडी की बम्पर जीत हुई है, इससे तेजस्वी यादव का कद बढ़ गया है। अब कद किस तरह से बढ़ा है ये अगर हम आपको बताएं तो बता दें कि अब बुचहा में जो नया कार्ड है वो तेजस्वी यादव की तरफ से खेला गया। लगातार तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो A to Z की पार्टी है, ना कि सिर्फ MY की, और शायद यही जो असर है वो बुचहा में भी नजर आया और इसी की वजह से जो वोट है वो अमर पासवान के खाते में गए। अब जरा सोचिए कि आखिर इस तरह से अमर पासवान की जीत बुचहा में क्यों हुई है। बता दें कि एक नया जो समीकरण है वो तेजस्वी यादव की तरफ से चला गया और यही वजह है कि जहां एक तरफ बुचहा विधानसभा से उन्होंने अमर पासवान को टिकट दिया, तो वहीं अब इस चुनाव से फायदा सीधे सीधे तेजस्वी यादव को हुआ है। बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी के साथ के तेजस्वी यादव ने बम्पर जीत बुचहा में हासिल की है। ऐसे में वो पांच फैक्टर कौन कौन से हैं, किस तरह से बुचहा में हुए उपचुनाव का सीधा सीधा फायदा तेजस्वी यादव को हुआ है, ये पांचों फैक्टर आपको बताते हैं। बता दें कि एक सीट की जीत के बाद राजद के पास सीटों की संख्या 75 से 76 हो गई है। एक सीट राजद को जाने या भाजपा को एक सीट के नुकसान होने से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ना तेजस्वी सरकार बनाने की स्थिति में आई है और ना NDA की सरकार गिरने वाली है। हालांकि दो उपचुनाव हार चुकी राजद में कार्यकर्ताओं के बीच जोश जरूर देखने को मिला। अब पांच फैक्टर कौन है ये भी जरा देखिए। राजद कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है, तेजस्वी यादव का नया स्वर्ण समीकरण उनकी बड़ी उपलब्धि बनकर उभरा है। राजद ने दिखा दिया कि वह अकेले कितना ताकतवर है। BIP और कांग्रेस को ये मैसेज मिला है, लेकिन सहनी ने भाजपा से बदला भी ले लिया। भाजपा की बड़ी रणनीतिक चूक सामने आई। उपचुनाव के ठीक पहले सहनी को पार्टी को तोड़ना महंगा पड़ा। ऐसे में इस चुनाव से पहले और चुनाव में राजनीतिक तिकड़मबाजी खूब हुई। मुकेश सहनी की पार्टी VIP के तीनों विधायक को भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, लेकिन ये भाजपा के ही लोग थे जो VIP के टिकट पर जीत कराए थे। ऐसे में भाजपा ने सहनी को अलग थलग करने के लिए उनसे मंत्री पद भी छीन लिया। गुस्से में सहनी ने अपनी पार्टी VIP से राजद के वरिष्ठ नेता रमई राम की बेटी गीता कुमारी को टिकट दे दिया। भाजपा ने बेबी कुमारी को मैदान में उतारा। उपचुनाव से पहले 24 सीटों पर हुए MLC चुनाव में तेजस्वी यादव ने स्वर्ण कार्ड खेला और भूमिहारों के बीच राजद की पैठ बढ़ी। इसका असर बुचहा में भी दिखा और स्वर्ण वोट बैंक का हिस्सा टूटकर माई समीकरण वाली पार्टी राजद में आ गया और इसी का फायदा मिला तेजस्वी यादव को। जहां पर बुचहा में भूमिहारों का साथ मिला है तेजस्वी यादव को, और यही वजह है कि बम्पर जीत के साथ राजद जो है वो आगे बढ़ चुकी है, अपने कद को बढ़ा चुकी है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं BJP को उठाना पड़ा है। ऐसे में अब आगे चिंता की बात है BJP के लिए कि इस नुकसान की जो भरपाई है वो BJP कैसे करेगी, किस तरह से नाराज हुए भूमिहारों को मनाएगी। क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने ये जो नई चाल चली है इसका असर MLC चुनाव में भी दिखा था और यही वजह है कि इसका फायदा सीधे सीधे बुचहा में राजद को मिला है, तेजस्वी यादव को मिला है, जिस वजह से अमर पासवान की बुचहा उपचुनाव में भारी मतों से जीत हुई है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।